तमिलनाडु में भारत के शौर्य की तस्वीरें देख हर कोई हैरान है। तेजस के तेज के करतब को देख करके भारत की तारीफ सारी दुनिया इस समय कर रही है। भारत में पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होस्ट किया है, जिसके पहले फेज में तमिलनाडु के सोलार पे जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यूके की एयरफोर्स ने हिस्सा लिया। दूसरा फेज इस महीने की 29 से शुरू होगा, लेकिन पहले फेज ने ही दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए हैं। अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास में भारतीय सेना ने ऐसे ऐसे करतब करके दिखाए कि फ्रांस और जर्मनी भारत की तारीफें करते नहीं थक रहा। तो चलिए आपको भी भारतीय शौर्य वीरों के करतब दिखलाते हैं। निर्णय नहीं अब रण, आसमान में गर्जना भीषण। तेजस, राफेल, मिराज, जगुआर, आसमानी करतब धुआंधार। मैदान में हिंद के वायुवीर, संपन्न भारत की सशक्त तस्वीर। लड़ाकू विमान दिखा रहे दम, भारत के शौर्य का दिखा परचम। महाशक्ति बनेगा तरंग शक्ति। आजादी के जश्न में मेक इन इंडिया गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। हिंदुस्तान पर नापाक नजर उठाने वाले हर दुश्मन देख ले, ये आज का नया हिंदुस्तान। ये नए हिंदुस्तान की धमक है, जिसकी धमक दुनिया मान रही है। जो कभी नहीं हुआ वो इस बार हो रहा है। युद्धाभ्यास तो सेनाएं पहले भी करती रही हैं, लेकिन इस बार ये खास है। इस बार एक नया विश्वास है, क्योंकि इस बार दुनिया की सबसे मजबूत 10 वायुसेना अपने करतब दिखा रही है। ये पहली बार है जब जर्मन वायुसेना भारत में भारतीय वायुसेना के साथ उड़ान भर रही है। अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारतीय वायुसेना ने अब तक की सबसे बड़ी मल्टीलैटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइजेस एक्स तरंग शक्ति को आयोजित किया है। रणनीतिक रूप से जरूरी इस अभ्यास में लगभग 11 देश के लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। हिंदुस्तान की सरजमी पर दुनिया की 30 देशों की एयरफोर्स शौर्य एक साथ दिखा रही है। बेहद ताकतवर देशों का युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति, जिसकी पहली झलक देखकर ही चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए। तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों और अटैक हेलीकॉप्टर ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, मिग 29 के और तेजस के साथ साथ रुद्र और प्रचंड हेलीकॉप्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान, IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। एक्स तरंग शक्ति अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य इस अभ्यास में शामिल हुए देशों के साथ भारत के रक्षा संबंधों को बढ़ाना और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। यह अभ्यास आपसी विश्वास को मजबूत करने और हिस्सा लेने वाले देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने की खास भूमिका निभाएगा।
इस अभ्यास का पहला चरण इस महीने की 6 तारीख को शुरू हुआ था, जो आज समाप्त हो गया। तरंग शक्ति में करीब 30 देश हिस्सा ले रहे हैं। ये एक्सरसाइज 2 फेज में होगी। पहले फेज में फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की वायु सेनाएं अपने लड़ाकू विमान का करतब दिखा चुकी हैं। दूसरा फेज 29 अगस्त से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में होगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका समेत 6 देश शामिल होंगे। लेकिन पहले चरण से ही दुश्मन के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है, क्योंकि इस अभ्यास में दुनिया की 3 महाशक्तियों में से 2 शामिल थी। फ्रांस और जर्मनी के करतबों से चीन और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि जितनी महाशक्तियां भारत के साथ अभ्यास करेंगे, उतना भारत की वायु शक्ति ताकतवर होगी। पहले आप आसमान में भारतीय वायुवीरों के परचम को देखिए। तेजस की धार को देखिए, आग उगलती रफ्तार को देखिए। अब सुखोई और विराज को देखिए, इनकी हुंकार को देखिए। अब रुद्र और प्रचंड की ललकार को देखिए, दुश्मन को खौफजदा करने वाली इनकी रफ्तार को देखिए। अब राफेल के वार को देखिए, फ्रांस और भारत की दोस्ती के इस उपहार को देखिए। भारत में पहली बार युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने पहुंचा जर्मनी बहुत खुश नजर आ रहा है। जर्मन वायु सेना A400M विमान ने तरंग शक्ति में भाग लिया था। जर्मन वायु सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इंगो गेरहार्ट्स ने कहा, मैंने उड़ान भरी और ये शानदार रहा। भारत में जर्मन राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन ने कहा कि वो भारतीय वायुसेना के साथ टच द स्काई विद ग्लोरी के अभ्यास में शामिल होकर बहुत खुश है। ये पहली बार है जब जर्मन वायुसेना भारत में भारतीय वायुसेना के साथ उड़ान भर रही है। हमारे लिए ये पहला है, लेकिन आखिरी नहीं है, और हम भविष्य में भी अभ्यास करेंगे। अक्टूबर में हमारा एक युद्धपोत गोवा आ रहा है। ये क्षेत्र में हमारी बढ़ती भागीदारी और भारत के साथ हमारी बढ़ती सामरिक सैन्य साझेदारी को दर्शाता है, और हमें इस पर गर्व है। बस इसी तारीफ से दुश्मन जल बैठा है। अपने को बाहुबली समझने वाला चीन अब अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक हर मोर्चे पर हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया मान रखी है। यही वजह है कि पहली बार मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी भारत कर रहा है। इस अभ्यास में तकरीबन 75 के करीब एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट शामिल हुए, जिनमें भारतीय वायुसेना के 40 और बाकी देशों के 32 विमान शामिल हुए हैं। शौर्य की तस्वीर, हिंद के वायुवीर।
परवाज ऐसी कि दुश्मन कांप जाए। भारतीय वायुसेना के फाइटर्स का अदम्य साहस है, हिंदुस्तान का दम है और न्यू इंडिया की धमक है। दुश्मन को अपनी ताकत का एहसास कराना जिस युद्धाभ्यास का मूल मंत्र है। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस यानी LCA-MK-1 ने तरंग शक्ति 2024 में अपना जो दमखम दिखाया है उसे देखकर सबने दांतों तले उंगलियां दबा ली। वायुसेना चीफ एयर मार्शल VR चौधरी ने कहा, LCA सबसे छोटा लड़ाकू विमान है लेकिन इसने दिखाया है कि आकार मायने नहीं रखता। विमान ने ब्लू फोर्स और रेड फोर्स दोनों के हिस्सों के रूप में युद्ध सेटिंग्स में अपनी क्षमताओं को साबित किया है। चौधरी ने कहा कि यह पहली बार था कि LCA-MK-1 ने इतने बड़े सैन्य अभियान में भाग लिया और हमें इसके प्रदर्शन पर गर्व है। उन्होंने कहा, तेजस आत्मनिर्भरता अभियान में हमारी सफलता का प्रतीक है। हम देश के भीतर और बाहर हवाई युद्ध अभ्यास में विमान का अधिक उपयोग करेंगे, लेकिन पहले आपको समझाते हैं कि विमान ने ब्लू फोर्स और रेड फोर्स क्या होता है। ब्लू फोर्स क्या होती है? ये टीम रक्षा बलों का प्रतिनिधित्व करती है जो दुश्मन के हमले से रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। इस टीम में भारतीय वायुसेना के विमान शामिल होते हैं, जैसे कि सुखोई SU-30, MKI, मिराज 2000 और तेजस। ब्लू फोर्स का उद्देश्य दुश्मन के हमलों को रोकना और अपने क्षेत्र की रक्षा करना होता है। रेड फोर्स क्या होती है? ये टीम दुश्मन की सेना का प्रतिनिधित्व करती है जो हमला करने और ब्लू फोर्स के क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करती है। इस टीम में विभिन्न देशों के विमान शामिल हो सकते हैं, जैसे कि यूरोफाइटर टाइफून, राफेल और F-15EX। रेड फोर्स का उद्देश्य ब्लू फोर्स की रक्षा को तोड़ना और उनके क्षेत्र पर कब्जा करना होता है। भारत के तेजस लड़ाकू विमान ने एक अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास के दौरान दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से यूरोफाइटर टाइफून को धूल चटाई है। इस दौरान भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर मार्शल AP सिंह ने स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को उड़ाया और जर्मन एयरफोर्स के यूरोफाइटर टाइफून को रोका। यूरोफाइटर टाइफून को जर्मन एयरफोर्स के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इंगो गेहार्ड उड़ा रहे थे। तेजस की इस क्षमता को देख जर्मन वायु सेना के पायलट हैरान रह गए। तेजस ने इन दोनों में अपना दमखम दिखाकर प्रूफ कर दिया कि वो सिर्फ साइज में छोटा है लेकिन घाव गंभीर कर सकता है। LCA तेजस अपने डेवलपमेंट के बाद से एक लंबा सफर तय कर चुका है। तेजस भारतीय वायु सेना की रीढ़ बन रहा है और भारत ने इन वॉर प्लेन्स को अपने स्टॉक में शामिल कर लिया है और जल्द ही इसे पाकिस्तान के सामने पश्चिमी मोर्चे पर तैनात करेगा। तेजस MK-1A फाइटर जेट में डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर यानी DFCC को लगाया गया है। DFCC का साधारण भाषा में मतलब होता है कि फाइटर जेट से मैनुअल फ्लाइट कंट्रोल हटाकर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस लगाना, यानी कंप्यूटर विमान को उड़ाते समय पायलट के मुताबिक संतुलित रखता है। इस सिस्टम से रेडार, एलिवेटर, एलरॉन, फ्लैप्स और इंजन का नियंत्रण इलेक्ट्रिक तरीके से होता है। फ्लाई बाय वायर फ्लाइट जेट को स्टेबलाइज करता है, ये विमान को सुरक्षित बनाता है। तेजस MK-1A फाइटर जेट की ताकत पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित, विभिन्न प्रकार के मिशनों को पूरा करने में सक्षम है, हवा से हवा में, हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है तेजस। इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, रेडार वार्निंग रिसीवर लगा है, 43.4 फीट की लंबाई, 14.5 फीट की ऊंचाई, अधिकतम 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। कॉम्बैट रेंज 739 किलोमीटर है, वैसे इसका फेरी रेंज 3000 किलोमीटर है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें कुल मिलाकर 9 हार्ड पॉइंट्स हैं।
इसके अलावा 23 की ट्विन बैरल कैनन लगी है। हार्ड पॉइंट्स में 9 अलग अलग रॉकेट्स, मिसाइल, बम लगा सकते हैं। लागत और रखरखाव की जरूरत अन्य लड़ाकू विमानों की तुलना में कम है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास लगभग 40 LCA MK1 है और ये सभी तमिलनाडु के सुलूर में मौजूद है। सिर्फ भारत के एयर चीफ ही नहीं, फ्रांस भी बहुत के लड़ाकू विमान की तारीफ कर रहा है। फ्रांसीसी वायुसेना के राफेल पायलट मेजर एलेक्सिस गैलोजो भारतीय लड़ाकू जेट की क्षमताओं से प्रभावित दिखे। उन्होंने कहा, इसकी रफ्तार शानदार है और ये कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है। तो जल, थल और नभसेना इस समय हमारे शौर्य की कहानी और गाथा लिख रही है।